रही है। इतने जनाब लेडीज़ फनकार भी इतने साढ़े नाल मौजूद ने, इन्हों भी असं गलबात करने की कोशिश करा कि इन्हों की इतनी एज नहीं, इन्ह की उम्र नहीं इतनी, और छोटी जी उम्र इतना व्डा किरदार अदा कर रहे हैं, क्यों? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अनमोल। पंजाबी बोलते जी? अच्छा अनमोल, थोड़ा नाम कि जगह? शेरागोट बाईपास। शेरा लाहौर शेरागोट जी। अच्छा तो कितना अरसा हो गया इस फील्ड? मैं 5 साल हो गए। 5 साल हो गए ने। इस टाइम तो एज कि? 12 साल। 12 साल तुम 7 साल तो 7 साल की एज इस काम में चलाए जी। थोड़ी इतनी प्रैक्टिस हो गई, तुम खुद भी चलाते हो मोटरसाइकिल? चलावांगी इंशाल्लाह। पापा मेरा पापा भी उस्ताद भी है, ये भी मेरे उस्ताद ने, हम चलावा करांगे। अच्छा तुहाडे वालिद साहब ने लाल जी? ठीक हो गया। ते जदों दे तुसी 5 साल हो गए, तुहानू 5 सालां विच कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होई, किरे कोई हादसा नहीं होया? नहीं होया भी है, नहीं भी होया। मसलन एक दो दफा गिरी हां, फिर बाकी अल्लाह शुक्र। चोटां वगैरह नहीं आईयां? आई सी, ये फेस ते लगी है चोट। ठीक है, तो तुसी की पैगाम दियो दे आने वाले जिहड़े बंदे ने आवाम है वेखण वाले, इन्हां नूं की पैगाम दियो दे? इस फील्ड आना चाहिए? नहीं, इस फील्ड ते नहीं आना चाहिए। केड़ी कुड़ी है जो इस उम्रे अनपढ़ होके काम करेगी? साडा कमाने वाला कोई नहीं है, सिर्फ पापा ते मैं, ते तां वास्ते काम करना पै रहा। किन्ने भैण भाई? असीं 2 भैणां। सिर्फ 2 सिस्टरां जी? दूसरी बड़ी छोटी? बड़ी है, शादीशुदा माशाल्लाह, लेकिन फिर भी घर पापा बुढ़ा है, संभालिया नहीं जाता घर, इस वजह से फिर। देखो यार ऐ जिहड़े बंदे ने असल हकीकत देखा जाए ना, देखा जाए ऐ लोग ने मजबूर, इन्हां दी सानू दादरसी करनी चाहिए, इन्हां नू हौसला अफजाई करनी चाहिए, और इन्हां दी सानू हैल्प करनी चाहिए, तां ना कि असीं तमाशा इन्हां दा वेखीए। ऐ तमाशा जवान धीए तो बाप लै के तो जनाब मौत के खूह से आया, सानू इन्हां दी हौसला अफजाई करनी चाहिए है कि कोई भी बंदा, कोई भी बंदा इस तरह की फील्ड च अपने बच्चियां नू, अपनियां बेटियां नू, अपनियां इज्जतां नू लै के ना आवे। बजुर्गों नाल भी गल करने आ कि इन्हां दा की कहना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बाबा जी की नाम तुहाडा? मेरा नाम पीर मुहम्मद जी। पीर मुहम्मद? पीर मुहम्मद। अच्छा तुहाडी बेटी ने जी? चाचू जी किहड़ी तुहानू मजबूरी है, तुसीं क्यों अपनी बेटी नू लै के इत्थे आए? बस फिर की करिए, किधर जाइए, कारोबार तो करना है ना, फिर साडा कारोबार इही है, पेट खातर सब कुछ करना पैंदा, इंसान की करे फिर इंसान। देखो तुहाडी ते जिंदगी इहदे च खतम हो गई, कितना अरसा हो गया जी? मैनू इह काम ते सन 90 से कर रहा हूँ। सन 90 तो तुसीं इह काम कर रहे हो? सन 90 तो तुसीं काम कर रहे हो कि तुहाडी जिंदगी इहदे च गल गई है? ठीक है, फिर तुसीं अपनी बेटी नू, जवान साला बेटी नू तुसीं इतनी प्रैक्टिस कर देंदे हो पे, तो वह इत्थे आ के इस टाइम ऐसे एक जगह पर खड़ी है जिते जिंदगी मौत का पता नहीं है। जिंदगी मौत इसका कोई पता नहीं होता, यह जिंदगी अल्लाह दी है ना, तो फिर वो की करे, फिर अल्लाह का कम है, देने वाला लेने वाला अल्लाह पाक ही है। साडा कारोबार हो जाए, इन्हें कोई खतरे भी है नहीं भी है। तुसीं क्यों इस फील्ड च आए? बस आ गया, बस शौक ना लाए हो या मजबूरी ना? हाँ मजबूरी है, शौक किसने होता है, मौत मौत ना खेलने किसी में शौक होता है। ये महंगाई थोड़ी हो गई, महंगाई आसमान पे पहुंच गई, नहीं पहुंची, आप ही सोच लो सही, बंदे के गरीब की करेगा, गरीब बंदा तो ऐसे ही मर गया ना, उन्होंने जीने धाके ख़त्म हो गए, वो हर चीज़ उन्हें आसमान पे पहुंचा दी गवर्नमेंट ने, की करे हूँ दस बंदा। बाबा जी ये जिंदगी मुश्किल नहीं पेश आदि के? देखो मेरी एक मिनट गल सुनो, जी मैं गल कर लगा वा, तुहाडी जवान बेटी है, तुसी इहनू लै के इत्थे आए हो, इस फील्ड शामिल किया, कल नू अल्लाह हैर करे, हैर दा टाइम आवे, तुसें इन्हां दियां शादियां भी करनियां ने, तुसें इन्हां दा ते क्या रिश्तेदारी बंदे कर लैंदे, तुहाडे अपने अपने विच करदे हो, बाहर करदे हो, कर लैंदे ने सानू? क्यों नहीं करेंगे, साडा कुड़ी केड़ा फनकार बंदा है, वो ये जिंदगी मौत दा केड़े फनकारी आवे तो नहीं, फनकार है वो, तो फनकार की अजमत को तराजू में मत तोलो, फनकार तो अलमोल होंदा है, यही गल है ना सारे, फिर ये फनकारी है, अवे सब कुछ ये नहीं कहने ऐसी है, ये कोई गलत काम नहीं, फन है, फन किसी के बाप कने जो मर्जी सीख ले, मेहनत करके, मेहनत ना आगे आंदा है ना, बंदा बगैर मेहनत नहीं आ सकता, कोई अगर मैं जी इंज नहीं आ सकता, तुम मेहनत किते नतीजे ते पहुंचे हो ना, सारा काम मेहनत है, असं भी मेहनत किते नतीजे ते पहुंचे। तुसा बाबा जी इन्हां नूं पढ़ाया लिखाया?
हैं पढ़ाया नहीं इन्होंने। मैं तो पढ़ाया सी बस की करी मजबूरी की वजह मैं कह चला इनके पढ़ाई छिड़ा के तैयार शामिल जी जी थोड़े तो न कभी कोई हादसा पेश आया कई हो गया अल्लाह बचाने वाला अल्लाह पाक कभी इस तरह नहीं होया कि इस खेड बच्चे किसी की जान चली गई हो नहीं जान नहीं गई क्यों कह सट्टा वहीं लग जाती सट्टा मट्टा लग जाती लेकिन जान नहीं किसी की जिस खेल में आने सर गोडे मोटे रगड़ जाते समझे गए ये तो सट्टे मट्टा लगती रहती इंसान है बस क्यों जो तले जमीन है वो तो 20 फुट बुलंदी लाजमी लेकिन जान वाले तो किसी से नहीं गई असं तुम देख रहे जिस तरीके पैसे फटते सो पे पैसे भी तुम उस तरीके लत्तां भी एक साइड से कर लेनिया ने हाथ छड़ने ने तो बड़ा मुश्किल काम तुम लोगों ने कुछ विखाना है जिन्हें 50 रुपया टिकट लेना का कुछ विखाना नहीं उन्होंने लोगों ने फन तो विखाना पैदा है ना फन जिन्होंने 50 रुपया टिकट लेना उन्होंने कुछ विखाने तो पे करना लाजमी पैसे कौन देगा फन नहीं दिखावे तो पैसे कौन देगा उत्ते हथ भी छड्डी देने बबलिंग भी मतलब जबरदस्त करके पब्लिक नू बेहतरीन राजी करीदा फिर पैसे देंदे ने जनाब जैसा कि अं जनाब गलबात करा रहे भाई बिशारत नाल भी पीर मुहम्मद साहब और उन्होंने जवान साला बेटी जनाब उन्होंने भी असं गलबात जनाब करवाईए ए लोग ने फनकार और मजबूर लोग ने इस टाइम फनकारी की कोई कीमत नहीं 50 रुपये सिर्फ टिकट है इन्हों फनकारी देखने वास्ते सिर्फ 50 रुपये टिकट है और असी 50 रुपये टिकट देन लगे भी असी 100 बारी सोचने कि भाई असी टिकट लईए या ना लईए यार ज़्यादा पैसे ने अगर 4 बंदे ने तो असी आना जी एक फ्री जान दो और देखो अंदर भी जाके देखो ना उन्होंने अंदर झांकण की कोशिश करो अंदर जाके देखो अपनी जान तली तो धार के लगे ने बाकी मैं यही कहांगा कि इन लोगों की दादरसी सानू करनी चाहिए है और करो वध चढ़ के जनाब करो जिथे इन्हों देखो इन्होंने फनकारों इन्हों बजुर्गों इस तरह के और कई सैकड़ों हज़ारों जनाब लोग ने जेडे इस फील्ड में ने तो इन्हों की हौसला अफजाई करो जनाब और ये जनाब मलक इरफान मियाँ रियाज़ अहमद और मुज़म्म जानी नू जनाब इजाजत दियो इंशाल्लाह नवी वीडियो के हाजिर होवांगे जनाब अल्लाह निगहबान जी जनाब जैसा कि असीं जनाब मौत का खूह दिखाया उत्थे फनकारां नाल अदाकारां नाल जनाब तुहाडी गल भी कराई है हुण असीं जनाब आ गए झूले वाली साइड ते इधर जनाब कश्ती चल रही है और इधर समानी पंगूड़ा जनाब जिन्हों असी आखने वो भी है नाल साढ़े घोड़े ने और बच्चे जनाब उधर बच्चों वास्ते भी इंजॉयमेंट वास्ते काफ़ी कुछ है इतने आवाम नाल भी गलबात करा दे और झूले वगैरह वहाने उधर भी गलबात तुहाडी कराने वालेकुम सलाम भाजी की हाल है ठीक ठाक ठीक हो से तबीयत मजाज गोडे गिटे सिर पीट ढिड पीट सब ठीक आलशा ठीक है अच्छा भाईजान तुम ये दसो कि जगह दे असी लालारी वानिया दे कि वाना वाना माशाल्लाह तासरात ही नज़र आ रहे हैं कि वानिया दे अच्छा की ना तोड़ा ना मेरा कासम कासम साहब तुम अज तो नहीं जनाब मेले से आए हो तो किन्ने अरसे तो आ रहे हो इतने तो लाला बचपन तो आ रहे हैं अच्छा बचपन तो आ रहे तो इतने का माहौल कैसा है जो ये गुजारा करता है गुजारा करता है ठीक है अच्छा इस तरह दगह तो इस तरह के मेलिया तो फैमलिया लैके आना चाहिए नहीं नहीं लाला क्यों रश रुश ढेर हों सो बगैरती होंगी है कि और क्यों अच्छा तो एक मैं पंजाबी का सवाल करा तो जवाब दो जे देने लाया तो करा ठीक है अच्छा असी मिसाल के तौर पर यह भाई हरी खलोते ने यह खलोते ने भाई हरी भाई हर जनाब मैं मारना धक्का धक्के पंजाबी की आ धक्के धक्का ही आना कि आना नहीं धक्का नहीं फिर मारे यार तो आड़े तके खान जो
नहीं पता, मैनू भी नहीं पता, अल्लाह दे वाले।